जादू डाइट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है वेट लॉस के लिए। मैंने 2-3 महीने में 20 लाख लोगों को ये वीडियो देखते देखा है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। लोग मुझे पूछते हैं, सर ये जादू डाइट का मतलब क्या है, क्या होता है, क्यों, कैसे वेट करवा लेते हैं आपका बिना पैसे में? तो मैं आपको एक बार समझाऊं, ये जो वेट बढ़ रहा है ना, पूरे दुनिया में हर जगह वेट बढ़ रहा है। क्यों मालूम है आपको? प्रॉस्पेरिटी, लोगों के पास पैसे आ गए हैं तो खाने में फैट अफोर्ड कर सकते हैं, खाने में अमाउंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले खाने नहीं मिलता था, 2 रोटी खाते थे, फिर 3 का पैसा नहीं होता था। अब तो आपको जितना चाहिए उतना पैसा है आपके पास, तो खाते जाओ। तो एक है ज़्यादा फैट खाना, ज़्यादा अनाज खाना, ये पहला बिकॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पैसा आने की वजह से। दूसरा कारण है हमारे एक्सरसाइज का समय नहीं, आगे मेहनत करके वो जो खाना खाते थे उसको पचाते थे, वो ख़त्म हो गया। तीसरा कारण है नॉलेज नहीं है हमारे पास, कैलोरी गिना हुआ कोई सिखा नहीं है। देखिए स्कूल कॉलेज वाले सिखाते नहीं हैं, डॉक्टर्स डाइटिशियन के पास टाइम नहीं है सिखाने का। लोग थोड़े बहुत मैगजीन वैगजीन से पढ़ के सीख लेते हैं, थोड़े बहुत लोग एडवाइस दे देते हैं उससे सीख लेते हैं, उल्टा पुल्टा सीख लेते हैं। तो ये जो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट कैलोरीज एक मेजर प्रॉब्लम है। और चौथा प्रॉब्लम है पार्टीज़, कल्चर। कल्चर है कि हमारे यहाँ पार्टीज़ होती है, पार्टीज़ में खाओ, लोग पैसे तो ही हैं और साथ में पार्टीज़, लोगों के घर खाना खाने चले गए, ट्रैवल में पैक्ड फूड मिल रहा है, वो पार्टीज़ के संग पैक्ड फूड अवेलेबिलिटी, ये सब के वजह से खाने का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। और पांचवा कारण है कि लोगों को मालूम है कि ये नहीं खाना चाहिए फिर भी खा रहे हैं, लोगों को मालूम है सलाद वगैरह खाना चाहिए वो भी नहीं खा रहे हैं। ये इमोशन है, लगता है मैं कैसे अपने आप को दुखी कर लूँ। दुखी कुछ नहीं है, अगर कोई के मन में बैठ जाए तो फ्रूट सलाद्स में भी काफ़ी टेस्ट मिलता है, और ना बैठे तो लगता है खाली फ्राइड आइटम में ही टेस्ट बैठता है, उसी से खुशी मिलती है। ये खुशी का पैमाना गलत हो गया। चलिए एक बार समझते हैं जादू डाइट का क्या कंसेप्ट है। हमने जब ये सारे चीज़ों की कैलोरी सिखाना लोगों को चालू किया तो हम देखा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? एक खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, पानी भी है, फाइबर भी है, तो सबको आगे आगे तोड़ो, फिर उसके सबके कैलोरीज करो, तो मैंने देखा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। फिर मैंने एक काम किया, मैंने सारे खाने को कैलोरी वाइज सजाया और देखा क्या मालूम है, कुछ खाने बहुत कम कैलोरी के हैं, उनको हम लोग बोलते हैं 20 रुपये का खाना, वो सारे जितने भी सलाद है, जितने भी वेजिटेबल है, वो 20 रुपये के, 100 ग्राम खाएंगे तो 20 कैलोरी मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं 20 रुपये का खाना। कुछ खाना हमने देखा जो 50 होता है, 100 ग्राम खाएंगे तो 50 कैलोरी मिलेगा, तो ये हमने देखा ज़्यादातर फ्रूट्स हैं, तो 20 रुपये का सबसे कम कैलोरी का फूड है और 50 रुपये का भी कम कैलोरी का फूड है। अब ज़्यादा की तरफ जाने गए तो अनाज है, सीरियल्स है। सीरियल मतलब क्या है? रोटी, आटा, चावल, जवार, बाजरा, दालें, ये सारे अनाज में माना जाता है। कॉर्न और ओट्स और स्प्राउट्स, ये सारे के सारे हाई कैलोरी फूड है। 25 ग्राम अगर रॉ फॉर्म में लेंगे तो इसका करीब 100 कैलोरी होता है, तो हमने इसको 100 रुपये का खाना बोल दिया। तो ये 100 रुपये का खाना के बाद ये जो रह गए बाकी के हाई कैलोरी, वो सारे थे फ्राइड आइटम्स, जो कि अनाज लिया उसको फ्राई कर लिया, या फ्राई करके उसमें नमक डाल दिया, फ्राई करके चीनी में डाल दिया। ये मिठाइयाँ और नमकीन जो है, जो फ्राइड आइटम्स है, ये सारे 500 रुपये के खाए। तो 500 रुपये का कैलोरी सबसे ज़्यादा कैलोरी वाले फूड है, फूड जो है, और 100 रुपये वाले भी ज़्यादा है। तो जादू डाइट में हम क्या बोल रहे हैं? हम बोलते हैं यार ज़्यादा कैलोरी गिनने के चक्कर में नहीं रहो, आपके स्टोमक में जगह जितना है ना, उसको आप 20 रुपये 50 रुपये से भरते जाओ और 100 रुपया कट करते जाओ, 500 तो एकदम ही कट कर दो। तो जादू डाइट में है क्या? आप धड़ाधड़ वजन गिरा रहे हो बिना पैसे में, खाना खूब खा रहे हो, क्या खा रहे हो? 20 रुपया 50 रुपया। तो 20 रुपये का खाना कौन सा है, 50 रुपये का खाना कौन सा है, वो मेरी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको खाना है खूब सलाद, खूब वेजिटेबल्स, और जो भी वेजिटेबल बनेगा बिना तेल के बनेंगे। लंच में खाना है कचूमर, बहुत सारा कचूमर करिए। अच्छा, ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स भी खा सकते हो। कचूमर मतलब खीरा, गाजर, टमाटर, प्याज, सबको छोटे छोटे काट लिए और दाल में डाल के, दाल जरूरी है जादू डाइट में, क्योंकि दाल से प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो दाल में सारा कचूमर डाल के खाइए, शाम को सूप पीजिए, आप चाहे घर पे बनाइए, बाजार से खरीदिए, सूप के संग बहुत सारा बॉइल्ड वेजिटेबल लीजिए।
हर महीने 5 से 10 किलो तक वजन गिरा सकते हैं। अगर इसके संग एक्सरसाइज करेंगे तो 10 किलो तक गिरेगा। तो आप जादू डाइट को जरूर फॉलो कीजिए, यू विल फाइंड वंडरफुल इम्प्रूवमेंट, वेट लॉस होता ही जाएगा। जादू डाइट को आप समझिए और लोगों को समझाइए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।